जय हिंद दोस्तों। इस टाइम कोरोना का कहर पूरे देश और पूरे विश्व में फैला हुआ है, खास करके बड़े शहरों में, महानगरों में, जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहां पे लिफ्ट का इस्तेमाल अक्सर होता है। लिफ्ट के बटन एक वायरस को फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है, सोर्स हैं। तो मैंने सोशल मीडिया से एक तरीका देखा था जिसमें कि बहुत ही सुंदर और सिंपल और सस्ते तरीके से हम लिफ्ट के बटन को टच करने से सभी को रोक सकते हैं। और ये इतना कारगर तरीका है कि अगर ये ढंग से इसको हम अच्छे से फॉलो कर लें तो ये निश्चित तौर पर ही ना सिर्फ सोसाइटी वालों को बल्कि सोसाइटी में आने वाले सर्विस बॉयज, डिलीवरी बॉयज, मेड्स, दूध वाले, बाकी और जो हमें घर पे होम डिलीवरी के लिए आते हैं, उन सभी को वायरस से बचने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसको अगर हम फॉलो करें और इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट को बनाकर अपनी लिफ्ट में लगाएं और लिफ्ट के बाहर लगाएं तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा हमें और हमारे आसपास प्रियजनों को कोरोना से बचाने के लिए। ये जो छोटा सा डिवाइस जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको हम अभी मैं बना के दिखाता हूँ वीडियो में और उसके बाद मैं लिफ्ट के साथ लगाकर इसकी वर्किंग भी बताऊँगा। तो आप रहिए मेरे साथ, पूरे एंड तक वीडियो को देखिए और अगर हो सके तो आप भी अपनी अपनी सोसाइटीज़ में बना के लिफ्ट्स में ये वाला इंस्ट्रूमेंट लगाइए। तो आइए दोस्तों, बनाते हैं हम ये इंस्ट्रूमेंट कोरोना वायरस से बचाने के लिए। इसके लिए 3 कार्डबोर्ड लें, किसी भी शेप में आप काट लीजिए, छोटे कार्डबोर्ड साइज हमें चाहिए। ये मैंने पहले काट के रख लिए हैं 3 कार्डबोर्ड और 3 छोटी शीशियाँ चाहिए ढक्कन के समेत। और अगर हो सके तो ढक्कन के ऊपर आप छेद कर लीजिए, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन छेदों का क्या इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास ये ढक्कन वाली बोतल नहीं है तो बिना ढक्कन के भी बोतल चल सकती है, आप पुरानी कोक की बोतल, यूज्ड बोतल भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी बोतल होगी तो इजी रहेगा उनको हैंडल करना। तो ऐसी 3 बॉटल्स मैंने तैयार कर ली हैं जिसमें ये मैंने ऐसे छेद कर लिए हैं सभी में। इन छेदों का क्या पर्पस है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके अलावा मैंने लिया है एक टूथपिक की डब्बी जिसमें फ्रेश टूथपिक्स हैं और मैंने ये स्पॉन्ज के 3 पीसीज काटे हैं। इसकी शेप देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये बड़े पर्टिकुलर शेप है, डिफरेंट है, बट ये स्पॉन्ज है जो हम कहीं से भी ले सकते हैं, ये आसानी से दबाई जा सकती है। इसको मैंने ऐसे एक ग्रूव कट मार के इसमें से ये पीस निकाल के इसको ऐसे इस शेप में काट लिया है। तो ऐसी मैंने 3 शेप्स काटी हैं। तो ये 3 पीसीस हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा सेलो टेप, मैंने अपना सेलो टेप डिस्पेंसर रखा हुआ है और फेविकॉल भी रखा है जस्ट इन केस अगर जरूरत पड़ेगी, कटर, कैंची। तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं फेविस्टिक, तो आप मोटा मोटा देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ महंगी नहीं है, बल्कि ये इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो मैंने घर में ही जो पुराना कबाड़ था उसमें से ही रिसाइकल की हैं और इफ़ेक्टिवली इस पर मेरा 10 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 10 रुपये के खर्चे में भी हमने इतनी इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बना लेना है जो कोरोना वायरस को बड़ी इफ़ेक्टिवली उसको मात दे सकेगा। आप देख सकते हैं अभी कोरोना वायरस जो है उसमें अगर प्राइवेट में लैब टेस्टिंग करवाएंगे तो उसमें भी कम से कम 5,000 रुपये लगता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 5,000 रुपये के टेस्ट के बाद जो उसके बाद इलाज का खर्चा अलग है, उससे बचने के लिए आप 10 रुपये भी लगा देंगे तो ये जो है, और आप इस वीडियो से डायरेक्शन समझ सकते हैं कि इसको कैसे बनाना है, ये करके आप अपनी सोसाइटी का 2,00,000 रुपये बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप ये इंस्ट्रूमेंट बनाने की प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कार्डबोर्ड लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और ये जो एक बोतल है जिसपे हमने पहले ही छेद कर लिए थे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था पहले, तो हम इसको यहाँ पे सेंटर में रखेंगे। इसको स्टेबलाइज करने के लिए मैं टेप का इस्तेमाल करूँगा जो टेप डिस्पेंसर में है। इसको इस बोतल पे इस तरह चिपका के
हम बोतल को यहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे। तो ये बोतल यहाँ पे चिपक गई है, अब ये स्टेबल है। इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए हम थोड़ी सी और टेप लगा देंगे। अब ये बोतल स्टेबल हो गई है। तो अब ये बोतल अगर इसको वर्टिकली खड़ा करेंगे तो ये गिरने के चांसेस खत्म हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमने पहले काट इसको स्पेसिफिक शेप में काट लिया था, इस बोतल में के ऊपर इसको इसे फिट कर देंगे और इसको अब इस फोम को हमने इसके साथ चिपकाना है। इसको चिपकाने के लिए हम गोंद का इस्तेमाल करेंगे, फेविक्विक आप यूज़ कर सकते हैं, फेविक्विक का ड्रॉप्स को इस पर डालकर। ध्यान रखना है हमने इस पोर्शन का कट की जो ये दो फेसेस है हमने सिर्फ गूंद वहीं पे लगानी है। फेविक्विक लगा सकते हैं आप, थर्मोकोल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इनको आप यहाँ पे लगा के इसको इसके साथ चिपकाएंगे। इसको अच्छे से प्रेस कीजिए ताकि वो पूरी तरह से उसके साथ चिपक जाए। तो देखिए दोस्तों ये फोम इसके साथ अच्छे से चिपक गया है। अब ये अपना बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल तैयार है। अब इसके इस्तेमाल की मैं विधि समझाता हूँ आपको। ये जो टूथपिक्स हैं ये फ्रेश टूथपिक्स हैं, हम इनको सभी को इसमें लगा के रखेंगे। तो ये जो है हम लिफ्ट के बाहर इस इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे और कोई भी अगर विजिटर सोसाइटी में आता है तो वो लिफ्ट का बटन दबाने के लिए वो बटन को नहीं दबाएगा, इसमें से एक टूथपिक निकालेगा और इससे वो लिफ्ट के बटन को दबाएगा। जब वो लिफ्ट के बटन को दबा देगा, लिफ्ट खुल जाएगी, तो वो इस टूथपिक को या तो अपने साथ ले जाएगा या फिर वो यहाँ पे जो बनाए हुए बोतल के ढक्कन पे छेद है इसके थ्रू इस बोतल में फेंक देगा। इस तरह से ये किसी के भी कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और ये टूथपिक बिल्कुल सेफ डिस्पोज हो जाएगा। ऐसे ही जब सारे विजिटर्स अपने लिफ्ट का बटन इससे दबा के इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो ये टूथपिक्स यहाँ से ख़त्म होते जाएंगे और ये बोतल जो है इसके ढक्कन के थ्रू ये बोतल में जो वो टूथपिक्स भरते जाएंगे। इस तरह से जो वायरस है जो किसी इंसान के हाथों के थ्रू लिफ्ट के बटन के थ्रू ट्रांसमिट होना था सोसाइटी के रेजिडेंट्स का या फिर और विजिटर्स के, वो जो वायरस है वो सिर्फ इस टूथपिक के हैंडल पे ही सीमित रह गया है। और ये टूथपिक जैसे ही इस बोतल के अंदर जाता है तो वो वायरस जो है इसके अंदर कंटेन हो जाता है। इस तरह से ये हाथ के थ्रू जो वायरस जो बटन के थ्रू ट्रांसमिट होने का खतरा था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पूरी सोसाइटी और जो विजिटर्स हैं वो बिल्कुल इससे सुरक्षित रहते हैं। तो ये टूथपिक्स जो है इसमें सफिशेंट ताकत होती है, खूब ये पावरफुल होते हैं कि ये बटन को लिफ्ट को दबा सकें। तो एक बार दबाने के बाद उसका पर्पस सर्व हो जाता है। तो जो रेजिडेंट्स या विजिटर्स हैं वो इसको यूज़ करके और वो इसको इसके अंदर डाल देंगे तो ये टूथपिक्स जो हैं सेफ्टी से हम इनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो डिस्पोजल का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। उसके लिए हम इसके ढक्कन को खोल के जो इसमें से यूज्ड टूथपिक्स हैं इनको हम इकट्ठा करके एक ही जगह पे फिर इसको जला देंगे या फिर कहीं गहरी ज़मीन में गाड़ देंगे। तो दोस्तों तैयार है अपना इंस्ट्रूमेंट, चलिए इसको हम लिफ्ट पर लगा कर इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना कामयाब है ये। दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट को मैं लिफ्ट के साथ लगाने के लिए डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करूंगा, जिसका एक पोर्शन जो है एक साइड जो है मैं इसके बैक साइड पे लगाऊंगा और दूसरी साइड जो है मैं लिफ्ट की दीवार पे लगाऊंगा। चलिए आइए मैं लगाकर दिखाता हूं कि इसको कैसे लगाना है। तो दोस्तों अब हम लिफ्ट के पास पहुँच गए हैं। अब मैंने इसके दोनों साइड्स पर डबल टेप लगा दी है इस कार्डबोर्ड के पीछे और अब मैं इसको लिफ्ट के साथ लगाऊंगा। अब देखिए ध्यान से इसको बटन के बिल्कुल साथ लगाना है ताकि जो भी बटन दबाने आए उसको आइडिया रहे कि ये जो है इसका क्या पर्पज है।
तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं ऐसे बटन दबाऊंगा तो मेरी उंगली के जितने भी वायरस हैं वो सारे इस पे चले जाएंगे, और अगली बार कोई भी इस बटन को दबाएगा तो उसको वो वायरस से संक्रमित हो जाएगा, और इस तरह से वायरस एक जगह से दूसरी जगह फैलेंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ से हमें परहेज करना है तो इसके लिए हम एक टूथपिक लेंगे और उसके लिए उससे हम इसको ऐसे दबाएंगे। देखिए, इसमें ज़रा भी ताकत नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी, थोड़े से जोर लगाने से ही ये दब गया है। अब मैं इसको वापस इसमें नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसको या तो मैं अपनी जेब में रख लूँगा या फिर मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इस्तेमाल के बाद टूथपिक इस बोतल में डाल दें, तो इस तरह से मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा। दोस्तों, अब हम लिफ्ट के अंदर हैं। चलिए, लिफ्ट वाले जो डिवाइस है उसको भी हम लगा देते हैं। इसको या तो हम यहाँ लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जगह बेहतर है, इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं ताकि कोई भी अगर बटन को दबाने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो उस पर नज़र इस पर ज़रूर पड़ेगी, तो वो ऐसे बटन दबाने की बजाय इसमें से टूथपिक निकालेगा और वो यहाँ पे या जिस भी फ्लोर पे उसने जाना होगा उस पर वो दबा के इसको टूथपिक को इसके अंदर डाल देगा। तो इस तरह से अपना हाथ नहीं लगाने के कारण वो इन बटनों को दूषित नहीं करेगा, और इस तरह से वायरस से जो इस सोसाइटी को और उसके जो अतिथि होंगे, विजिटर्स होंगे, उनको इन्फेक्ट करने से रुक जाएगा। देखा आपने कि ये डिवाइस कितना सिंपल बट इफेक्टिव है, और इसकी ज्यादा कीमत भी नहीं है। साथ ही ये सोसाइटी के रेजिडेंट्स और विजिटर्स को भी कोरोना वायरस की केयर से बचाने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, हमारे देश को और खासकर महानगरों में कोरोना का प्रकोप बड़ी तेजी से फैल रहा है। यदि हमने जरूरी कदम जल्द ही नहीं लिए तो देश को बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्र हित में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटीज में ये सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक टू स्टॉप द कोरोना वायरस जल्दी ही जल्दी पहुंच सके। आपका एक शेयर हजारों की जान बचा सकता है। सो फ्रेंड्स, एक्ट फास्ट। थैंक यू।